नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आप देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक। आज मैं जो बताने वाला हूँ, 1.5 लाख रुपए अगर आप किसी गाड़ी में खर्च करते हैं, एक महीने के अंदर उसमें प्रॉब्लम आने चालू हो जाती है तो किसी का भी मन नहीं करेगा कि ऐसी गाड़ी बाय करनी चाहिए। और मुझे रॉयल इनफील्ड बहुत पसंद है, पर मैं छुपा भी नहीं सकता और आपको हर रॉयल इनफील्ड की कमी बता भी नहीं सकता। आज ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि यार एक बंदे को नॉलेज मिल सके, क्योंकि इनके ये हमारे इन्होंने एक महीने पहले ही गाड़ी खरीद रखी है, ठीक है। और इनके साथ क्या हुआ कि गाड़ी आगे से बहुत ज़्यादा हिल रही है और ये इन्होंने गाड़ी चलाई तो ऐसा लगा कि जैसे टायर में पिंचर है और आगे से काफ़ी ऐसे ही हिल रही है गाड़ी। देखिए, अगर आप देख सकें तो आगे से बिल्कुल इस टाइप से हिल रही की गाड़ी, मतलब जैसे पता नहीं क्या हो गया, अगला हिस्से में टायर में हवा कम है या बैरिंग ख़राब हो गए, इस टाइप की एक प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मेरे पास आए कि यार टायर में हवा कम हो गई, ये पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी हिल रही, चला के देखो। तो मैंने चलाया और जो मेरे को सामने रिजल्ट नज़र आया वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी बहुत बढ़िया, पर यार कंपनी को थोड़ा सा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। हैंडमेड है तो ये तो नहीं कि हर चीज़ मतलब तुम ढीली छोड़ दो या कमी छोड़ दो, ठीक है। आज डेफिनेटली मैं रॉयल इनफील्ड के लिए इसीलिए, या जो कह लो, लोग समझते हैं बुरा है तो कोई बात नहीं, पर आज मैं कमी दिखाने वाला हूँ रॉयल इनफील्ड की, कितनी बड़ी कमियाँ छोड़ देती है गाड़ी। तो चलिए गाड़ी के सीधा वो पॉइंट दिखाते हैं। तो जब मैंने चेक किया तो सबसे पहले एक जो सबसे बड़ी कमी लगती है रॉयल इनफील्ड के अंदर वो है ये। देखिए, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्केट आते हैं, इसके अंदर लाइंस आ जाती हैं, तो कंपनी ने इतना बिल्कुल फिक्स कर दिया, इसमें थोड़ा सा गैप देना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने इसके बाद थोड़ा और ऊपर गया, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि शॉकर खुला पड़ा है हमारा। एक बार कहीं फोकस हो जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए मैं फोटो खींच लेता हूँ। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। तो जब ये खोला तो देखिए, यहाँ ऊपर कैप लगती है और वो कैप ऊपर इसके अंदर ही रह गई है, ठीक है। और इसके अंदर शॉकर ऑयल भी ना के बराबर ही है, बहुत ही कम। एक बार मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, देखिए ऊपर का नट लगा है जहाँ पर अलंकी है और यहाँ पर ये गायब, तो वही बहुत। एक बार मैं पूरा बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि कैसे लगा रहता है, चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब देखिए, ये नट होता है, आप देख सकते हैं इसमें चूड़ियाँ हैं और वो इसके अंदर टाइट होता है, इसके अंदर यहाँ चूड़िया है ना, ये इसके अंदर ऐसे टाइट रहता है। अब क्या कंपनी यही टाइट करना ही भूल गई, बड़ी सोचने वाली बात है। और जबकि चूड़ियाँ भी बिल्कुल ब्रांड न्यू ठीक ठाक हैं और इसमें भी ठीक ठाक चूड़ियाँ हैं, तो इतनी लापरवाही करना तो मैं तो कहूँगा बहुत गलत चीज़ है। अब ऐसे तो ढूँढा जाए तो कितनी कमियाँ छोड़ती होगी कमी गाड़ी के अंदर कंपनी, तो ये बहुत गलत चीज़ है, कंपनी को इस पर काम करना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ ये कैसे टाइट रहता है, कितना टाइट होता है। अब देखिए, जो फिट होता है किस तरीके से होता है, ये नट रहता है ऊपर, एक इतना कॉलर रहता है और इसको इतना टाइट करके ऐसे टाइट किया जाता है पूरा 27 नंबर। अब ये कुछ इतना टाइट रहता है और अब पता नहीं कंपनी ने कैसे फिट किया है इसको, तो आज काफ़ी निराश हुए और अच्छा भी लगा। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा और क्या कंपनी को कुछ सुधार करना चाहिए, या आपके साथ इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।